हेलो एवरीवन, अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जगताप, मैकेनिक मोटर व्हीकल का ट्रेड इंस्ट्रक्टर। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज पीपीई, पीपीई में कौन कौन से इक्विपमेंट या फिर गैजेट्स आते हैं और पीपीई कहां पर यूज होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पीपीई का फुल फॉर्म क्या है। पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और पीपीई का डेफिनेशन है द डिवाइस इक्विपमेंट क्लोथिंग आर यूज बाय द एम्प्लॉय और रेसोर्ट टू प्रोटेक्ट हजार्ड फ्रॉम अगेंस्ट। मतलब कोई भी हजार्ड से या फिर धोखे से बचने के लिए जो भी क्लोथिंग इक्विपमेंट या फिर डिवाइस का यूज किया जाता है उसे पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है। तो इस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत सारे डिवाइस, गैजेट्स और क्लोथिंग यूज होते हैं। अलग अलग हजार्ड्स के लिए अलग अलग पीपीई इस्तेमाल किए जाते हैं। पीपीई के 8 रैंकिंग होते हैं। उसमें पहला है पीपीई नंबर 1 हेलमेट, नेक्स्ट पीपी नंबर 2 सेफ्टी फुटवेयर, नेक्स्ट पीपी नंबर 3 रेसिप्रोकेटिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, नेक्स्ट पीपी नंबर 4 आर्म पीपीयू इक्विपमेंट, नेक्स्ट पीपी नंबर 5 आई एंड फेस प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, नेक्स्ट पीपी नंबर 6 प्रोटेक्टिव क्लोथिंग इक्विपमेंट, नेक्स्ट पीपी नंबर 7 ईयर प्रोटेक्शन पीपीई इक्विपमेंट, नेक्स्ट पीपी नंबर 8 सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेसेस। तो ये थे हमारे कुछ पीपी नंबर के रैंकिंग। तो आइए जान लेते हैं कौन सा पीपी नंबर या फिर कौन सा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कब यूज करना चाहिए। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि हेलमेट प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट यूज किया जाता है। अगर आप ऐसे जगह पर काम कर रहे हो जहां पर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आपको हेड को टकरा सकता है तो आपको हेलमेट की जरूरत पड़ेगी। हेलमेट एक पीपीई इक्विपमेंट माना जाता है। नेक्स्ट आई प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। कोई भी डस्ट पार्टिकल आपके आंख में ना जाए या फिर लिक्विड पार्टिकल आपके आंख में ना जाए तो आपको गॉगल्स या फिर ट्रांसपेरेंट गॉगल पहनना जरूरी है। कोई भी ट्रांसपेरेंट गॉगल या फिर सेफ्टी गॉगल एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आते हैं। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग शील्ड या फिर वेल्डिंग गॉगल का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज हियरिंग प्रोटेक्शन, हियरिंग मतलब ईयर प्रोटेक्शन। अगर आप ऐसे जगह पर किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो बहुत ज्यादा साउंड या फिर नॉइस हो तो आपको ईयर प्रोटेक्शन के लिए कोई भी ईयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कोई भी हाई विजिबिलिटी क्लोथ। अगर आप लो विजिबिलिटी में काम कर रहे हो तो आपको कोई भी हाई विजिबिलिटी क्लोथ पहनना बहुत ही जरूरी है ताकि आपकी विजिबिलिटी दर्शाए सके। नेक्स्ट वन इज फुट प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन मतलब पैर की सुरक्षा। अगर आप ऐसे जगह पर काम कर रहे हो जहां पर ज्यादा ऑयल, स्लिपरी सरफेस हो तो आपको सेफ्टी शूज पहनना बहुत जरूरी है। सेफ्टी शूज एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आते हैं। सेफ्टी शूज हमें स्लिप होने से या फिर इलेक्ट्रिकल चीजों से भी बचाती है। नेक्स्ट वन इज सेफ्टी ग्लव्स, कोई भी इक्विपमेंट में ग्लव्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। सेफ्टी ग्लव्स में हमें रबर टाइप के ग्लव, कॉटन टाइप के ग्लव या फिर अदर टाइप के ग्लव भी आते हैं। सेफ्टी ग्लव पहनने से आपको कोई भी धार वाला शार्प ऑब्जेक्ट से बचाएगा। कोई भी इलेक्ट्रिक काम करने से पहले रबर टाइप के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या फिर सेफ्टी ग्लव्स पहने जाते हैं। हार्नेस, अगर आप कोई ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जिसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा हो
तो हमें सेफ्टी हार्नेस का यूज करके ही उस जगह पर काम करना होगा। सेफ्टी हार्नेस एक सेफ्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आता है। यहाँ पर आपको कुछ सेफ्टी सिंबल दिखाई दे रहे होंगे। ये सेफ्टी सिंबल एक मैंडेटरी सिंबल है। ये सिंबल वही पाए जाते हैं जिस वर्क प्लेस पे ये इक्विपमेंट परिधान करना या फिर यूज करना कंपलसरी होता है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी आई प्रोटेक्शन, सेफ्टी ईयर प्रोटेक्शन, हार्नेस, सेफ्टी ग्लव्स और कुछ सेफ्टी क्लोथ। तो ये सारे सिंबल सेफ्टी सिंबल माने जाते हैं। इस सिंबल को मैंडेटरी सिंबल भी बताया जाता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।